कि जो बेटी इंदु थी वो साक्षात आपके बीच में यहाँ मौजूद है, उसने अपना पूरा जिम्मेदारी संभाला हुआ है। तो मिशन, ऐसी बेटियाँ जिंदा हैं तो मिशन कभी भी पीछे नहीं जा सकता है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि बबीता आप आगे बढ़ो, हम हमेशा आपके साथ हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस जल जंगल और ज़मीन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाई वो किसी भी कीमत पे बिकना नहीं चाहिए, ये कभी बिकना नहीं चाहिए। आपको पेशकश होगी, आपको एमपी बनाने की पेशकश होगी, आपको एमएलए बनाने की पेशकश होगी, आपको राज्यसभा भेजने की पेशकश होगी, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमारे समाज में हमेशा भगवान की तरह हो सकता है पूजी जाओ अगर आप इस मिशन पे अडिग रहोगे। तो कोशिश ये करिए कि मिशन जो चल रहा है ये एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम साहब कांचीराम के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हमेशा ये बात कही कि सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो उस परिवर्तन की एक गति हमारे बीच में बबीता के रूप में मौजूद है। और मैं एडवोकेट साहब का भी बहुत धन्यवाद करूँगी, सर एकदम बेहतरीन तरीके से इतनी सरल भाषा में आपने जो पूरे लोगों को बांध के रखा, तो धन्यवाद आपको है। और हमारे जो कॉमरेड साहब हैं, और कॉमरेड साहब को तो लाल सलाम मैं करती हूँ, और इसके साथ ही साथ जो हमारा एक छोटा भाई यहाँ मौजूद है, मैं तो एकदम फ़ैन हूँ बेटा आपकी, संदीप नाम है ना आपका, संदीप धुले, तो एकदम दमदार आवाज़ और दमदार बॉडी, एकदम बिरसा मुंडा वाली पर्सनालिटी, तो इसको बरकरार रखिए, इस जोश जज्बे को बरकरार रखिए। और अंत में मैं अपने पिता समान जो हमारे सरदार जी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने साहब कांशीराम के साथ में काम किया है, मैं बहुत अपने आप को ये मान के चलती हूँ कि लखनऊ में रह करके मैंने कभी साहब को नहीं मैं देख पाई, लेकिन आपकी आँखों से आज मैंने साहब कांशीराम को देखा। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आके अपने विचार साझा किए, आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मैं सबको धन्यवाद शुरू में इसलिए कर दे रही हूँ कि बाद में थोड़ी फॉर्मेलिटी लगती है, शुरुआत में मुझे ये लगता है कि आपने जो बातें कही सरदार जी ने वो 100% सही है। क्योंकि एक चीज़ मैं भी कहूँगी, सुषमा जी आप बुरा मत मानिएगा, कि अगर बच्चा पैदा होता है, अगर माँ बेटे को ये ना बताए, बच्चे को ये ना बताए कि ये तेरा बाप है, तो पड़ोसी को बाप बोलने लगेगा। तो बहुत सिंपल सी, अच्छा आवाज़ सुलवा रही, मैं इसको हाथ में ले लेती हूँ, मैं इससे ज़्यादा कर लेती हूँ। तो बच्चे को अगर माँ ये ना बताए तेरा बाप है, इसको पापा बोल, तो पड़ोसी को बाप बोल। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। सरदार जी की बात को मैं वहीं आगे लेके आ रही हूँ, एकदम 100% इत्तेफाक रखती हूँ सरदार जी मैं आपकी बात से। हमारे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास मिटाया गया, अगर हमारे कुछ एक महापुरुषों ने नहीं लिखा होता उनके बारे में, या उनकी तस्वीर उनकी चित्रकारी नहीं कराई होती, तो हमने कभी भी बिरसा मुंडा को वो तीर तलवार और इस तरीके से बेटे के रूप में नहीं देखा होता। तो बहुत ज़रूरी है महापुरुषों को साक्षात रूप से देखना, जितना उनके विचारों पे चलना। हमारे दिल में तो बाबा साहब बसते हैं, हमारे दिल में बिरसा मुंडा बसते हैं, हमारे दिल में साहब कांशीराम बसते हैं, लेकिन हमारी आंखों में उनकी तस्वीर कहीं पे भी होनी चाहिए कि छोटा बच्चा भी जब उठे जय भीम बोले तो उसको पता होना चाहिए कि जिसके नाम पे जय भीम बोल रहे हैं कि वो भीम है कौन, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की धरती पे हो। इसलिए तो मैं कोई कमी की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं सरदार जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। और जो हमारे साहब मसीह समाज के लिए बोल रहे थे, तो इंडिविजुअल कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बस आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी बहुत दमदारी से अपनी बात रखी। अब मैं आज का जो अवसर है उस पर थोड़ा थोड़ा बात औरतों पे भी करूँगी, थोड़ी आप लोगों से भी करूँगी, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए समय समय पर महापुरुष आते गए। बहुत पहले की बात नहीं करूं, अगर खाली तथागत गौतम बुद्ध से बात शुरुआत करूं, तो बुद्ध आए, बुद्ध ने समझाया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है। बुद्ध ने पहली गाथा कही, मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया,
मन से ही सारी बातें शुरू होती है, मन से ही खत्म होती है, मन ही सारी बातों का प्रधान है, मन ही सारी बातों का अगुआ है। बुद्ध ने कहा अपने मन को काबू में कर लो, तुम्हारी सारी बातों का निराकरण हो जाएगा। इसी मन से हमें ईर्ष्या होती है, इसी मन से हम खुश होते हैं। बुद्ध की तथागत बुद्ध आए, अपने वचन बोले, अपने शांति का संदेश दिया। तथागत गौतम बुद्ध चले गए, उनके जाने के बाद सम्राट अशोक आए। कुछ समय तक हमने सम्राट अशोक की विरासत को संभाल के रखा, लेकिन सम्राट अशोक के जाने के बाद वो विरासत पूरी तरीके से खत्म हो गई और धीरे धीरे हमारे ऊपर एक नई संस्कृति थोपी गई और उसी नई थोपी हुई संस्कृति को हम अपना संस्कृति मानने लगे। जबकि यहाँ पर बैठे हुए हमारी जो बेटी बैठी, हमारी जो बहन छोटी बैठी हुई है बबीता, और हमारा जो ये भाई बिरसा मुंडा का प्रतीक बैठा हुआ है, आप उस बात के प्रतीक हो बेटा कि ये इस धरती को धरती बनाने में आपका योगदान है। इस धरती को धरती, ये पानी पीने लायक है कि नहीं है, ये पहले हमारे संदीप ने पी करके बताया कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं। इस संदीप ने पहला फल खा के बताया कि ये फल जहरीला तो नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खाया होगा वो मर गए होंगे, लेकिन कालांतर में इन्होंने खा के बताया कि ये फल खाने लायक। तो इस देश को, इस धरती को बनाने वाले तो इस देश के आदिवासी समाज के ही लोग थे ना, हमारे पूर्वज ही थे ना। हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, जो हमने प्रकृति से प्रेम किया। हम मूसर कूटते थे, धान कूटते थे, हमारी बेटियां जो फूलों की माला सर पे गूंथती थी, गले में पहनती थी, हम फूलों से श्रृंगार करते थे, फूलों की पूजा करते थे। उस संस्कृति को खत्म करके एक नई संस्कृति हमारे ऊपर थोपी गई और धीरे धीरे हमको ऐसा लगने लगा कि वही संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति हो गई। और फिर हमारे बीच में समय बीतता गया, हमारे बीच में संत कबीर आए और संत कबीर ने तमाम बातें कही और उसके साथ में एक बात कही, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। संत कबीर अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होके उन्होंने ये कहा कि अगर तू अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, अगर तू ब्राह्मण अपने आप को कहता है, श्रेष्ठ कहता है, और तो आन बाट काहे नहीं आया, तो तू दूसरे दरवाजे से क्यों नहीं आया, जिस दरवाजे से सारे लोग आए, जिस जहां से सारे लोग पैदा हुए, तू उसी दरवाजे से कैसे पैदा हो गया। एक अनपढ़ व्यक्ति आपको शिक्षा की अलख जगा करके गया। और वैसे ही संत कबीर के साथ ही साथ समकालीन, जिनकी धरती से मैं आई हूँ, बनारस की धरती पे, ये दोनों महापुरुष उसी धरती पे, तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उसी धरती पे दिया, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज भी यही बात बोलते थे कि मैं वाणी तो बोलूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, उन्होंने भी इसी बात पे कटाक्ष किया कि कोई माथे तिलक हाथ जप माला, जग को ठगने के लिए स्वांग रच डाला। कुछ लोग माथे पे तिलक और हाथ में जपने वाली माला लेकर के जग को ठगने के लिए पूरा स्वांग जो है वो रच डाला। हमारे महापुरुष हमारे बीच में आए, समझाते गए, समझा के वो चले गए और हम नहीं समझ पाए। और फिर उसके बाद हमारे बीच में जो सबसे बड़ी क्रांति करने के लिए आए वो थे महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने इस बात को समझा। वो बड़ी पगड़ी लगाते थे, जैसे हमारा ये बेटा पगड़ी लगा के बैठा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख के बेटा, इसलिए मैं तुम रोक नहीं पा रही हूँ तुमको बार बार कोट करने का। महात्मा ज्योतिबा फूले बड़ी पगड़ी लगाते थे और ऐसे कंधे पे साफा रखते थे और सफेद रंग का कुर्ता पहनते थे और ऊंची बिरादरी के लोगों के साथ में हमारे उनका उठना बैठना था। एक दिन वो अपने ऊंची जाति के साथी के लोगों के साथ में शादी में खाना खाने शादी में गए, और जब साथी लोगों के साथ में बैठ के खाना खा रहे थे तो जिस लड़के के घर में शादी थी वो ऊंची जाति का था, उसके बाप को ये पता चल गया कि ये शूद्र है, ये माली जाति का है, ये ज्योतिबा फूले नीची जाति का है। उन्होंने उनको वहीं पिटवा दिया और बेइज्जत करके घर से बाहर निकलवा दिया कि इसकी औकात कैसे हुई हमारे साथ के लोगों के साथ बैठ के खाना खाने की। ज्योतिबा फूले को पहली बार धक्का लगा जीवन में, पहली बार आभास हुआ कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ में, और वो वहां से रोते हुए आए और घर में आके दरवाजा बंद करके घंटों रोते रहे और रो रो के यही सोचते रहे कि मैं साफ कपड़ा पहनता था, अच्छा भोजन करता हूँ, मेरे बाप जमींदार हैं, मैं पगड़ी भी लगाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जिसकी वजह से मुझे बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया गया। तभी उनके कान में आवाज आती है घंटी और घुंघरू की, और वो लेटे लेटे रो रहे थे
और रोते रोते उठ करके खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहां पे उनको दिखाई देता है कि कुछ लोग गले में मटका टांगे हैं, कमर में झाड़ू लगे हैं और उनके गले में घंटी बंधा है, पैर में घुंघरू बंधा है और वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके झुक के चल रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने जब उन लोगों को वहां पर देखा, खिड़की से बाहर देखा, तो उनके दिमाग में ये प्रश्न उठा कि ये भी मेरी तरह इंसान है, ये भी मेरी तरह इंसान है, लेकिन इसके गले में मटका क्यों बंधा हुआ है, इसके कमर में झाड़ू क्यों लगी हुई है। और उनको उसी समय ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये लोग अशिक्षित हैं, इनको ज्ञान नहीं है, इनको शिक्षा का अभाव है, इसलिए इनके गले में मटका टंगा हुआ है। अगर इनको जागृति होती, इनको शिक्षा होती तो शायद ये ऐसा काम नहीं करते। और उसी समय उन्होंने ये ठान लिया कि मैं, जिन लोगों ने इन लोगों को इतना अछूत बना के रखा, इतना नीच बना करके रखा, इन लोगों को उत्थान के लिए मैं अपना पूरा जीवन जो है वो कुर्बान कर दूंगा। और वही एक समय था जब ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए निकलते हैं और वो दौर था कि पति पत्नी दोनों औरतों की शिक्षा के लिए काम करने लगे। और उसी दौरान ज्योतिबा फूले के पिताजी ने ये कहा कि बेटा तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं, क्योंकि शादी के इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारे कोई बच्चा नहीं। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि पिताजी पहले डॉक्टर की जाँच करा लिया जाए, क्यों ना पहले डॉक्टर की जांच करा लिया जाए। उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि ठीक है, अगर पिताजी जांच करा लेते हैं और कमी सावित्री बाई में आती है तो मेरी शादी आप करा देना। पिताजी बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है। बोले शादी करा लेंगे तो मेरी पत्नी नई वाली कहाँ रहेगी। बोले तेरे साथ रहेगी। बोले फिर सावित्री बाई फूले कहाँ रहेगी। बोले वो भी तेरे साथ रहेगी, दोनों बीवियां तेरे साथ रहेंगी। ज्योतिबा फूले का दिमाग देखिए, जितने बैठे हो आदमी ध्यान से सुनना इस बात को। ज्योतिबा फूले तुरंत कहते हैं ठीक है पिताजी, अगर कमी सावित्री बाई में हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन साथ ही साथ पिताजी मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर डॉक्टरी जांच में कमी मेरे अंदर आई तो मैं सावित्री बाई की दूसरी शादी करूंगा और उसका दूसरा पति मेरे साथ इसी घर में रहे। अब मैं आगे बात करूं, इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ताली मत बजाना। हम जो बात कह रहे हैं भैया, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, ना मैं नेता बनने के लिए आई हूँ, हम एक विचार परिवर्तन के लिए आपके बीच में आए हैं। मेरी ताली बजा के आप बहुत सारी चीज़ों को भुला देते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उस तर्क को आप खुद भी डेवलप कीजिए। ज्योतिबा फूले ने जब अपने पिता से ये बात कही तो उन्होंने कहा ये तो अनर्थ कह रहा है, तू पाप की बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, पाप की हो चाहे पुण्य की हो, लेकिन मैं ये बात पे अडिग हूँ, अगर आप उसकी शादी कराओगे तो मैं उसकी भी शादी करा दूंगा और उसका पति मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। नहीं तैयार हुए पिताजी, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और फाइनली पति पत्नी दोनों औरतों की शिक्षा के लिए इतना कमिटेड थे कि वो लोग वहाँ से निकल करके खेतों में बैठ के पढ़ाई करने लगे और तथाकथित ऊंची जाति के लोग। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप जानिए कि आज का दिन हमको बहुत मेहनत से मिला है, ये एक एक समय का या एक काल का परिश्रम नहीं है, ये हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों के परिश्रम का परिणाम है जो आज हम और आप इतना सुंदर साड़ी पहन के यहाँ बैठे हैं, इतना सुंदर पैंट बुशर्ट यहाँ पहन के, इतनी बढ़िया कुर्सी पे, इतने सुंदर टेंट और इतनी बढ़िया कारपेट के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि अरे ये औरत को पढ़ा रहा है, औरत पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, औरत पढ़ेगी तो धर्म भ्रष्ट होगा, औरत को नहीं पढ़ना चाहिए। और वो तुरंत उनके घर पे आए और ज्योतिबा फूले के पिताजी गोविंद राम को बोलते हैं कि आपकी बहू को ये आपका बेटा पढ़ाने की बात कर रहा है, धर्म भ्रष्ट होगा, या तो तुम उसको घर से निकालो या तो उसको बोलो कि वो औरत को पढ़ाना बंद करे। और ज्योतिबा फूले ने आपको और हमको पढ़ाने के लिए अपने बाप का घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी को लेकर के निकले, मजदूरी किया, सब्जी बेची, फूल बेचा, फल बेचा, लेकिन कभी भी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है उस्मान शेख, भाई उस्मान शेख से और उनकी बहन फातिमा शेख से। ये दोनों भाई बहन अपनी ज़मीन देते हैं जिस ज़मीन पे औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला जाता है, और उस स्कूल पे आपकी और हमारे जैसी पहले 8 औरतों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और उन 8 औरतों को पढ़ता देखने के लिए 3000 आदमी खिड़की और दरवाजे से झांक रहे हैं। ये व्यवस्था थी बहन जी आपकी हमारी। आप आज सुंदर साड़ी पहन के बैठे हो ना, लिपस्टिक लगा के बैठे हो, बिंदी लगा के बैठे हो, वो व्यवस्था थी 8 औरतों को पढ़ता हुआ देखने के लिए 3000 आदमी झांक रहा था कि औरत कैसे पढ़ रही है,
औरत कैसे पढ़ रही, औरत को तो पढ़ना मना है, और फिर उन औरतों को पढ़ाने के लिए जब रोजाना हमारी अम्मी फातिमा शेख और हमारी माता सावित्री बाई फुले जब निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता। इतना परिश्रम किया तब आपके और हमारे लिए पहला स्कूल खोला, लेकिन ये बात सोचिए कि वो कौन लोग थे जो औरतों की शिक्षा के विरोधी थे, वो कौन लोग थे जो औरतों को पढ़ाने के लिए जब हमारी समाज की औरतें बाहर निकल रही तो उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंक रहे हैं। एक चीज और सोचिए कि वो कौन लोग थे जब शिवाजी महाराज का तिलक होना था तो बोले कि ये शूद्र जाति का है, इसका हाथ के अंगूठे से तिलक नहीं किया जा सकता, इसका पैर के अंगूठे से तिलक किया। यानी राजा बनने के बाद में भी आपकी योग्यता पांव के अंगूठे से तिलक करने लायक है। और वही शाहू जी महाराज ने, जब शाहू जी महाराज राजा बनते हैं कोल्हापुर के, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को उलट के रख दिया और कहा कि मेरे राज्य में 50% ये पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण होगा। और तब यही चुटियाधारी लोग, यही परेशान आदमी लोग उनके पास आए और बोले, शाहू जी महाराज अनर्थ हो रहा है, गधा और घोड़ा एक साथ कैसे काम करेगा, ये लोग तो गधे लोग हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, आप आरक्षण दे दे रहे हो, ये लोग नौकरी में आ जाएंगे, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। शाहू जी महाराज ने तर्क का प्रयोग किया, ये तर्क करने की शक्ति हमको संविधान से मिलती है और ये संविधान हमको तथागत बुद्ध के सिद्धांतों पे चलता हुआ देखता है, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी महापुरुष ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत सारे लोग उसका पालन करते हैं, बल्कि किसी बात को सत्यता की कसौटी पे जांच लो, परख लो, और अगर वो लोक कल्याणकारी लगे तभी उस बात को मानना, नहीं तो मत मानना। शाहू जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन तथाकथित ऊंची जाति के लोगों से यह कहा कि अच्छा ठीक है, वो तो अनपढ़ है ना, उनको कुछ नहीं आता, वो लोग गधे लोग हैं, आप लोग तो समझदार हो ना, मैं आपको एक महीने का समय देता हूँ, ये जो चार लोगों को मैंने इम्प्लॉय किया है, जो नौकरी दी है, इन चार लोगों को एक महीने के अंदर तुम अपने बराबर योग्य मन बना दो तो मैं मानू कि तुम बहुत बड़े योग्य हो। और एक महीना क्या, दो महीना, तीन महीना, चार महीना बीत गया, वो लोग दोबारा दौड़ करके उनके पास नहीं आए, क्योंकि ये वही योग्यता है जिस योग्यता की ये बोलते हैं, जो हमारी बहन बोल रही थी कि संविधान बनाने की औकात नहीं थी इनके महापुरुषों में, जिनको ये महापुरुष बोलते हैं, इनके पूर्वजों में औकात नहीं थी संविधान बनाने की, इसलिए बाबा साहब, हमारे बाबा साहब जिसको अछूत बनाया गया, जिसको मटके से पानी नहीं पीने दिया गया, जिसको चपरासी फाइल दूर से फेंक के देता था, उस अछूत बाबा साहब को संविधान सभा में लेकर के आए, क्योंकि योग्यता इसमें थी, योग्यता उन्हीं लोगों में थी जिन्होंने इस जमीन को जमीन का दर्जा दिलाया, योग्यता उन्हीं में थी जिन्होंने पानी पी के बताया कि ये पानी पीने योग्य है। एक बार सोच के देखिए कि कौन लोग हैं जो आपकी और हमारी योग्यता पे प्रश्न उठाया करते हैं। बाबा साहब जब छोटे थे, 6 साल के थे, हम सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया, जूता चप्पल जहाँ उतारते थे वहां बैठाया गया, टीचर कॉपी चेक नहीं करता था, रोज टीचर एक ताना बाबा साहब को मारता था, तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा। बाबा साहब एक दिन सुने, कुछ नहीं बोले, दो दिन सुने, कुछ नहीं बोले, तीसरे दिन जैसे ही मास्टर ने ये कहा तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा, बाबा साहब ने उस टीचर को तुरंत उठ के कहा उंगली दिखाते हुए कि मास्टर साहब आज तो आपने ये बात कह दी कि मैं अछूत हूँ, मैं महार हूँ, मैं पढ़ के क्या करूंगा, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये बात बोली तो मैं आपका जूतों से स्वागत करूंगा, इसके नीचे मैं बात नहीं करूंगा। कंट्रोल, 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 कंट्रोल। बाबा साहब ने ये बात कही 6 साल के थे, तब उन्होंने अपने टीचर को जवाब दिया। और उसके बाद जब बाबा साहब विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेके आते हैं और जब 20 मार्च 1927 को यही चावदार तालाब का सत्याग्रह करते हैं महाड़ में, जब आपके और हमारे समाज के लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब 10,000 लोगों के साथ में वो चावदार तालाब का पानी जब पीते हैं, उनके सर पे लाठियां पड़ती है, बाबा साहब के सर से खून बहता है, बाबा साहब हिम्मत नहीं हारते, अंग्रेज सरकार के साथ मिलके बंबई की काउंसिल में ये प्रस्ताव पारित कराते हैं कि जितने भी जल के प्राकृतिक स्रोत हैं, नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पोखर है,
इन सब पे किसी आदमी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब पहली बार आपको और हमको साफ पानी पीने का अधिकार दिलाते हैं, तब उस मास्टर को जवाब देते हैं, देख मास्टर देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख करके क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके अपने समाज के लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार दिला दिया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और उसके साथ ही साथ उसी साल 1927 में, आज से ठीक एक महीना बाद 25 दिसंबर 1927 को ऊंच नीच पे आधारित जो व्यवस्था थी, जिसको तमाम लोग बोल भी रहे थे, मनुस्मृति जिसको बोला जाता है, मनु का विधान लागू था, उस मनु का विधान जिसमें लिखा था उसको मनुस्मृति कहा जाता है। बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को जब जलाया, तब उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख के तेरी ऊंच नीच वाली व्यवस्था को आग लगा दी, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और उसके बाद बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लिखा, तब उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, मैंने पढ़ लिख करके अपने पूरे भारत देश के तमाम शोषितों पीड़ितों जो हमारे लोग थे उनको मुक्ति का रास्ता दे दिया, उनको मुक्त करा दिया, उनको अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार, मान सम्मान का अधिकार दे दिया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और उसके बाद जब 1956 में बाबा साहब ने आपकी और हमारी औरतों के लिए, सर्व समाज की औरतों के लिए, वो केवल एक जाति एक धर्म की औरत नहीं थी, सर्व समाज की औरतों के लिए बाबा साहब ने कहा कि किसी समाज की तरक्की मैं इस बात से देखता हूँ कि उस समाज की औरतों ने कितनी तरक्की की है, तो उस तरक्की में ये बाधा देखते थे कि औरत शिक्षित नहीं है, उस तरक्की में बाबा साहब बाधा देखते थे कि औरत को जिंदा जला दिया जा रहा है। बाबा साहब ने आपको और हमको अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा, तब उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर देख, तू कहता था मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके इस पूरे भारत देश की महिलाओं को आजादी का फरमान दे दिया, उनको उनका अधिकार दे दिया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। और सबसे अंतिम बार उस मास्टर साहब को बाबा साहब ने जवाब दिया जब 14 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर की धरती पर अपने लाखों लोगों के साथ में तथागत बुद्ध की शरण में गए, तब उस मास्टर को कहा कि देख मास्टर देख, आज मैं नहीं जानता तू जिंदा है कि मर गया, लेकिन देख मास्टर देख, तू कहता था ना मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, मैंने पढ़ लिख करके अपने बहुजन समाज के लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखा दिया, इस ऊंच नीचे आधारित व्यवस्था जिस धर्म में ये पैदा हुए थे उस धर्म में पैदा होना इनके बस की बात नहीं थी, लेकिन उस धर्म से निकाल पाना मेरे बस की बात है, देख मास्टर देख, मैंने इनको उस ऊंच नीच वाले धर्म से निकाल करके जिस धर्म ने इनको समानता का अधिकार दिया, क्योंकि बुद्ध धर्म की यही पहचान मानव मानव एक समान, इस नारे के साथ में बाबा साहब ने उस मास्टर को जवाब दिया कि मैंने ये बराबरी का समानता का अवसर अपने लोगों को दे दिया, और उसी समानता वाली विचारधारा पे आधारित भारत का संविधान, जिसको आज के दिन 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन संविधान सभा को अर्पित किया गया था, उस दिन को आज हम मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए बहन जी, एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो भारत का संविधान है, क्योंकि हम शोषित लोग, हम वंचित लोगों को एक तरीके से जीवन में एक ऑक्सीजन का काम किया इस संविधान ने, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी हमारी थी, उस जिंदगी से एक ऑक्सीजन का काम किया इस संविधान ने, एक झटके में सारी जो बेड़ियां थी वो तोड़ दी, और जो हमारे भाई ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया, वो प्रस्तावना भारत की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका केवल उद्देशिका नहीं है बहन जी। आप देख रहे हैं WLBS News, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।